इंडिया और इंग्लैंड के बीच चार टेस्ट मैचों की सीरीज का चौथा और आखिरी मैच अहमदाबाद में जा रही है। वही दूसरे दिन भारतीय टीम ने 5 विकेट गंवाकर 120 रन पूरे कर लिए। फिलहाल ऋषभ पंत और अश्विन क्रीज पर मौजूद है। वहीं इंग्लैंड ने पहली पारी में 205 रन बनाए। विराट कोहली बतौर कप्तान 8वीं बार 0 पर आउट हुए। इस मामले में उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी की बराबरी भी कर ली। वहीं भारतीय टीम ने दूसरे दिन 1 विकेट पर 24 रन से खेलना शुरू किया। टीम 17 ही रन जोड़ सकी कि 2 विकेट टीम इंडिया ने गंवा दी। पहले चेतेश्वर पुजारा 17 रन बनाकर LBW आउट हुए। उन्हें स्पिनर जैक लीच ने सीरीज में 4थी बार आउट किया। इसके बाद कप्तान विराट कोहली बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। उन्हें तेज गेंदबाज पैन स्टोक्स ने विकेट कीपर बैन फॉक्स के हाथों कैच आउट कराया। वहीं 80 रन पर टीम इंडिया को चौथा झटका भी लगा। वहीं अजंक्य रहाणे 27 रन बनाकर जेम्स एंडरसन की बॉल पर आउट हुए। स्टोक्स ने उनका स्लिप पर शानदार कैच लपका। वहीं रहाणे ने रोहित के साथ मिलकर 4थे विकेट के लिए 39 रनों की पार्टनरशिप की थी। वहीं आपको बता दें कि 49वें ओवर में टीम इंडिया को एक और बड़ा झटका लगा। रोहित शर्मा 49 रन के स्कोर पर आउट हो गए। LD न्यूज रूम की रिपोर्ट।